हेलो माय वंडरफुल किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड पिंक ऑफ हेल्थ। आज की डेट है 20। माय सेल्फ तन्नालता, आई एम फ्रॉम अक्षर स्कूल। अब देखो 20 डेट में आज हम मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मैथ्स के रिवीजन में मैं आपको डायरेक्ट होमवर्क दे रही हूँ, आपने सिर्फ सुन के फिर उस तरह से अच्छे से होमवर्क सेट करना है। यहाँ पर हम हेडिंग में नंबर नेम, आपको पता है ना नंबर नेम बेटा, नंबर नेम ऑफ 1 to 40, आपको 1 to 40 के नंबर नेम लिखना है, दैट इज़ होमवर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 to 10 यहाँ पे लिखना है, 11 to 20 यहाँ पे लिखना है, 21 to 30 यहाँ थर्ड सेकंड पेज पे, और 31 to 40 इस तरह से, ठीक है। देखो मैं 21 लिख के बता रही हूँ और 31 लिख के, दोनों मिक्सअप नहीं हो जाना चाहिए। TWENTYONE, देखो बेटा ये वो स्मॉल होता है और दोनों के बीच में स्पेस होती है, डैश नहीं करना है। कोई कोई बच्चा यहाँ पर बीच में डैश करता है, कोई साथ में कर लेता है, कोई एक ओ कैपिटल करता है, दैट इज़ रॉन्ग बेटा। अब मैंने वन बॉक्स लीव करके यहाँ पे 31 लिखना है, THIRTYONE, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे लीव होनी चाहिए। अब 22 मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, TWENTYTWO THIRTYTWO। अब सपोज आपको लगता है कि 8 का स्पेलिंग बड़ा है, तो मैडम कैसे हम करेंगे, TWENTYEIGHT हो गया। देखो इस तरह से पास में करोगे तो इट शुड लुक, और यहाँ पे सपोज 7 बड़ा है तो इट शुड बी नाइस वर्क, हमारा अच्छा वर्क होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब थर्ड पेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऑर्डिनल नंबर यहाँ पे लिखना है, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल यानी पोजिशनल नंबर, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा एक वन रैंक आया, थोड़ी बोलेंगे मेरा टू रैंक आया, इस तरह से थोड़ी बोलेंगे, मैडम ये तो मेरा, मेरी सिस्टर का तो 3 रैंक आया, 3rd रैंक आया, 4th रैंक आया। तो चलो एक बार हम फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं और नीचे उसका रिवीजन, FIRST फर्स्ट, और यहाँ पर सेकंड टाइम होमवर्क में लिखना है आपने SECOND सेकंड, 3 के ऊपर RD, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, TH है ना इसलिए 5th, फिफ्थ नहीं होता है, हाँ बेटा 15 में भी फिफ होता है, 50 में भी फिफ होता है, SIXTH पहले 6 का स्पेलिंग, फिर TH, पहले 7 का स्पेलिंग, फिर TH, 7th, 8th, EIGHTH, 9th में देखो बेटा कोई NINE करता है तो नहीं, NINTH, फिर भी हम एक बार आपको मैं टेक्स्ट बुक में कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है बेटा। एक मिनट, हाँ देखो बेटा 9th का स्पेलिंग NINTH, मैं बार बार बोलती हूँ ई नहीं आता है इसमें, कोई कोई बच्चा होमवर्क में सेंड करते वक्त NINE लिखते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ रॉन्ग, NINTH 9th, TENTH 10th। अब यहाँ पर ये सेकंड टाइम लिखना है 2 बॉक्स लीव करके, और नीचे क्या करना है, आपकी मम्मा आपको बोलेंगी सर्कल करना है, वो हेडिंग नहीं लिखोगे तो चलेगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7th, अब मैंने स्टार की है, तो 7th स्टार पर मुझे सर्कल करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ठीक है इस तरह से। सपोज मैं कर रही हूँ 4th, अब मैं 4th में सर्कल करूँगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपकी मम्मा यहाँ पर कुछ 4th जितने
दे देंगे आपको और आपने वो करना है। ओके बेटा बाय, अच्छे से होमवर्क करो। हाँ बेटा।